नमस्कार, मैं आनंद कुमार, गुरुकुल आनंद एकेडमी के ऑनलाइन परिवार में आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, मैं बात कर रहा हूं यूपी पुलिस प्रधान प्रचारक वाले अभ्यर्थियों की, जो थोड़ा सा सुस्त पड़ गए थे। और आप सबको पता था कि कल 6 जून थी और कल बीटेक वालों का धरना था इको गार्डन में। उससे पहले 5 जून को मैं भर्ती बोर्ड गया था और मुझे जो बातें पहुंचानी थी मैं पहुंचा के आया था। आपका पक्ष तब भी मजबूत था, कल भी मजबूत है और आज भी मजबूत रहेगा। उसी को लेकर मैं कुछ चीज़ें आपके सामने स्पष्ट करने आया हूं और आगे की क्या रणनीति होगी इस पर भी विस्तृत चर्चा करने आया हूं। वक्त आ गया है मेरे दोस्त अपनी एकता दिखाने का। आप सब लोग जो भी जहां भी हैं, वीडियो पूरा देखें और इसे हर व्यक्ति तक शेयर करें। आगे की जो रणनीति है जबरदस्त होगी। हमारे अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता है। और कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया है, वो क्या ट्वीट किया गया है वो भी आपको बताऊंगा। और क्या संभव है, क्या बीटेक वालों को भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया है, क्या इसकी संभावना है, क्या भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियमावली और विज्ञापन में संशोधन किया जा सकता है? यदि किया जा सकता है तो क्या क्या बदला जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, क्या संभावनाएं हैं उसकी, और इसको रोकने के लिए हम लोगों के पास क्या प्लान है, इन सब पर विस्तृत चर्चा करने के लिए मैं आया हूं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये मुहिम हमने जो चलाई है, हम सब ने मिलकर जो चलाई है, ये सफल होनी चाहिए और हर हाल में सफल होगी। मैं शुरू कर रहा हूं। आप सबको पता है कि कल बीटेक वालों का धरना था और कुछ न्यूज़ चैनल वगैरह ने इनको दिया और करीब 100 से 150 के बीच ये बच्चे पहुंचे थे और ये लोग मुख्यमंत्री जी से मिलने गए जनता दरबार में, ज्ञापन दिया जाके उधर भी, उसके बाद भर्ती बोर्ड भी आए। उनके ही वीडियो में गड़के ने मुझे क्लिप भेजी थी और उसमें एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। जब वो जनता दरबार गए तो वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही है कि भर्ती बोर्ड को निर्देश दिए गए कि आपको किसी का पक्ष नहीं लेना है, सच्चाई के साथ आपको भर्ती कंप्लीट करनी है। ये वाक्य जो है, ये चीज जो है, केवल और केवल आपके फेवर में जाएगी। बात कर रहा हूं मैं डिप्लोमा वालों की, आपके फेवर में ही जाएगी। और अब जो है हम लोग भी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और क्या प्लान है देखिए। और उसके अलावा जो दिन भर ये लोग प्रत्यावेदन दिए हैं, भर्ती बोर्ड गए हैं और शोर शराबा किया है, आधा झूठ बोल के मीडिया में अपनी बात को पहुंचाया है, तो हम लोग भी एक अभियान, सच बोल पोल खोल अभियान 10 जून को सुबह 10 बजे शुरू करेंगे। और इसमें पूरे उत्तर प्रदेश भर के कम से कम मुझे 2000 लड़के, 2000 साथी लखनऊ में चाहिए। इसमें बहनें भी होंगी हमारे और भाई भी होंगे, सब लोग मिलके सच बोल पोल खोल ये अभियान होगा हमारा। जो बीटेक वालों ने आधी बातें बताई हैं, मुझे आश्चर्य हुआ। मैं चैलेंज करता हूं उनमें किसी को, अगर नियमावली और विज्ञापन में बहस करनी हो, मैं नंबर नोट करता हूं, बहस करिए मेरे साथ नियमावली विज्ञापन पे। ये मेरा नंबर है, मैं ओपन चैलेंज करता हूं जिसको बहस करना हो, डिबेट रखनी हो, रख लेना मेरे साथ नियमावली और विज्ञापन पे। भर्ती नियमावली और विज्ञापन से पूरी होगी। इस बात के लिए कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी एक ट्वीट आ गया है कि भर्ती कोई भी अध्याचन देने से पहले, ये देखिए, तो आप ये देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री का ट्वीट किया गया है, जिन विभागों में रिक्तियां हैं और नियुक्तियां की जानी हैं वह तत्काल प्रभाव से अध्याचन चयन आयोग को भेजा जाए। नियुक्तियां, नियुक्ति प्रक्रिया में सरलता के लिए ई अध्याचन की व्यवस्था की जाए। नियुक्ति में अध्याचन है भेजने से पूर्व नियमावली का सूक्ष्मता से परीक्षण किया जाए। चयन आयोग से संपर्क बनाए रखें, सही अध्याचन भेजें, चयन प्रक्रिया की समय सीमा तय करें।
मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जो भी विज्ञापन भर्ती पूरी होगी और नियमावली से पूरी होगी, प्रॉपर नियमावली देख के। यह ट्वीट भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तौर पर और बल्कि सीधा आपके पक्ष में है, आपके हक में है। जो लोग ये कह रहे हैं हमारा 2.5 साल खराब हुआ है, 3 साल खराब हुआ है, सच बोलेंगे और पोल खोलेंगे। 10 तारीख को हमारा एक दिन का प्रोग्राम है और हम सब लोग कम से कम 2000 लोग भर्ती वोट चलेंगे और दिन भर का प्रोग्राम होगा हमारा। वाकिको गार्डन में हम लोग भी बैठेंगे। जरूरत पड़ेगी यह आंदोलन और ये धरना प्रदर्शन की धमकी हमें ना दे कोई। मेरा बहुत पुराना नाता है इनसे। और जो लोग अगर आप लखनऊ आ सकते हो तो मैं ले, लखनऊ मेरे घर की बात है, मैं डेली लखनऊ जा सकता हूँ। 5 को भी गया था और 10 तारीख सब लोग एकत्रित हो गए। और उसके बाद भी अगर चीज़ें नहीं सुधरती है, नहीं हमारे हाथ में आती हैं, तो 17 तारीख से इको गार्डन में पोल खोल अभियान अनशन हमारा चलेगा। और ये जब तक चलेगा जब तक कि पूरी तरीके से फैसला डिमो के पक्ष में नहीं आ जाता। हालांकि इस बात पे मैं भी विचार नहीं कर रहा हूँ, ये हमारा अंतिम विकल्प होगा। उससे पहले जो चल रहा है मुझे उसी पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला हुआ है, अध्याचन वाला मैंने आपको दिखाया किस तरीके से मुख्यमंत्री जी का बयान है। उसके अलावा मैं भर्ती केवल और केवल जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा हम भी वही चाहते हैं, भर्ती केवल और केवल नियमावली और विज्ञापन के साथ होनी चाहिए और उसी के साथ होगी। लेकिन इसके लिए आप सबको कोने कोने से 10 जून को सुबह 10 बजे भर्ती बोर्ड में उपस्थित होना होगा। हम लोगों का कोई गैर वो नहीं है कि हम लोग हंगामा करेंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे। एक दिन का सिंपल प्रोग्राम होगा, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी जनता दरबार में एक टीम भेजेंगे और भर्ती बोर्ड में DGP साहब को भी एक टीम भेज के हम लोग केवल ज्ञापन देंगे उनको। मैं ये नहीं कहूँगा हमारा पक्ष लें आप या किसी का पक्ष लें, जो निष्पक्ष है, जो नियमावली और विज्ञापन में है, अगर नियमावली और विज्ञापन के तहत BTEC आता है तो जरूर उनका सिलेक्शन होना चाहिए। मैं भी इस बात के लिए खुशी मनाऊंगा और मिठाई वितरण करूंगा अगर नियमावली और विज्ञापन के हिसाब से BTEC एलिजिबल होता है तो। लेकिन साहब अगर नियमावली विज्ञापन में BTEC का जिक्र नहीं होगा, मैं ओपन चैलेंज करता हूं इस बात का। अगर कोई नियमावली के अनुसार BTEC का जिक्र कहीं दिखा दे, मैं जिंदगी भर उसकी गुलामी करूंगा। नियमावली और विज्ञापन में कहीं BTEC का जिक्र दिखा दे, मैं जिंदगी भर उसकी गुलामी करूंगा। और नहीं तो फिर वो सोच ले जो बहस करना चाहते हैं, वो क्या करेंगे, यही शर्त उन पर भी लागू होती है। तो मुझे भर्ती मेरी केवल नियमावली विज्ञापन के साथ चाहिए, उसी से कंप्लीट करानी है मुझे, और मुझे किसी से कोई फेवर नहीं चाहिए। जो सच है माननीय मुख्यमंत्री के अनुसार, सच के हिसाब से भर्ती होनी चाहिए। जो ये लोग आधा सच बताए हैं मीडिया में, पूरा सच के लिए हम विज्ञापन और नियमावली साथ लेके चलेंगे। और कोई भी फैसला हुआ मुझे उसकी जानकारी नहीं है। जब तक गजट नहीं बना है उसका, अगर जियो पास नहीं हुआ है गवर्नमेंट ऑर्डर, तो किसी भी फैसले की कोई वरीयता नहीं होती है। और ऐसा कोई ऑर्डर हुआ भी था मुझे इसकी भी जानकारी नहीं है। हमें जो लोग ये तर्क दे रहे कि 2.5 साल बाद आज ये जगह है, इनके नंबर कम आए, तो अगर डिप्लोमा वाले नंबर बताने लग जाएंगे तो हमारे पसीने निकल आएंगे। पहली बात। दूसरी बात, मुझे जब पता चला एग्जाम के समय, उससे पहले मुझे सपने नहीं आ रहे थे कि BTEC वाले एलिजिबल हैं इसमें। जब एग्जाम के समय मुझे पता चला कि इसमें बड़ी मात्रा में BTEC वाले हैं, और जब विज्ञापन नियमावली को सही से देखा गया उसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं था। हाँ, कुछ बड़े यूट्यूब चैनल वाले हैं जिन्होंने भ्रम को फैलाया, जिन पे बच्चे कह रहे थे कल BTEC वाले उनको साथ आना चाहिए। मैं उनको भी कहता हूँ अगर आ जाइए, आप भी साथ आइए, BTEC वालों का साथ दो अगर आपने फॉर्म भरवाए हैं तो। लेकिन मुझे मेरी वैकेंसी नियमावली और विज्ञापन के साथ चाहिए। हमें ना इसमें छेड़छाड़ चाहिए, ना बदलाव चाहिए, हमें सिर्फ हमारी भर्ती कंप्लीट चाहिए। और हम नहीं चाहते हैं, जो हमारा मांग होगी प्रमुखता से, हम लोग लखनऊ जिसके लिए जा रहे हैं उसमें सबसे पहले मांग जो हमारी होगी वो मांग ये होगी, हमें परिणाम चाहिए अतिशीघ्र।
परिणाम जारी करे भर्ती बोर्ड अति शीघ्र, लेकिन लेकिन बिना बीटेक के। परिणाम तो चाहिए हमको, बहुत जल्दी परिणाम चाहिए, लेकिन हमें बीटेक का परिणाम नहीं चाहिए। बिना बीटेक हमें केवल डिप्लोमा वाले बच्चों का परिणाम चाहिए साहब। जब आपने इस बात के लिए रुख स्पष्ट है, आपने काउंटर दर्ज किया हुआ है भर्ती बोर्ड में, और दूसरी बात आप लोगों ने भर्ती सिर्फ और सिर्फ नियमावली और विज्ञापन से ही करानी होगी साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आदेश है, तो मुझे नियमावली और विज्ञापन के अनुसार जब लिखा हुआ है डिप्लोमा, तो डिप्लोमा से अलग जो भी हैं कोर्सेज, मुझे साहब उनका नाम डीवी मीनिंग चाहिए। कैसे हो सकता है, उसके लिए आपके पास बहुत सारे विकल्प खुले हुए हैं सरकार, आप चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं, आप दोबारा से डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराइए, मैं आपको लेके आऊँगा, मैं आपको दिखाऊँगा फॉर्म का डिज़ाइन किसके आधार का था, डिप्लोमा के आधार का था या बीटेक के आधार का था। अगर कहीं फॉर्म भरने से, विज्ञापन से फॉर्म भरने तक अगर कहीं बीटेक शब्द का जिक्र लिखा हो सरकार की साइट पे, सरकार के द्वारा, तो मैं मान लूँगा, मैं भी आपका प्रमोशन करूँगा। IGRS और कुछ मेल को छोड़ के, अगर मेल एलिजिबल के है तो मेल नॉट एलिजिबल के भी है, IGRS अगर एलिजिबल का है तो नॉट एलिजिबल का भी है साहब। इतना आसान नहीं है किसी के घर में घुस जाना, और आप जो 2.5 साल की दुहाई दे रहे हो, तो मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको, गौर फरमाइएगा उस पर। मेरे बगल में एक शुक्ला जी थे, तो क्या था, शुक्ला जी का जमीन जायदाद बहुत बढ़िया था, तो शुक्ला जी का अलग अलग जगह कई जगह प्लाट पड़े हुए थे। एक प्लाट था शुक्ला जी का, तो उस पर एक मिश्रा जी ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया। अरे शुक्ला जी इधर रहते नहीं थे, तो शुक्ला जी को पता ही नहीं चला, रातों रात मकान बना के खड़ा कर दिए। बाद में शुक्ला जी को खबर चली, शुक्ला जी आ गए, तो मिश्रा जी कहे कि हम तो भाई 35-40 लाख रुपया लगा दिए हैं, और घर बढ़िया मेहनत से बनता है हमारा, यही हमने जमा पूंजी लगा दी है, सब कुछ है, घर तो हमारा हो गया, हम रह रहे हैं इसमें, सारा डेकोरेशन कराए हैं, सब चीज़ें, अब तो हम इसको नहीं खाली करेंगे। शुक्ला जी थे बड़ा परेशान हो गए, कैसे निकाला जाए, मोहल्ला पड़ोस वाले आसपास वाले भी लोग जो है, क्योंकि जो मिश्रा जी थे वो थोड़ा सा दबंग प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, थोड़ा सा परिवार फैमिली बैकग्राउंड सही था उनका, तो सब लोग वो भी कह रहे थे नहीं मिश्रा जी तो रह रहे हैं, अब तो अन्याय हो जाएगा मिश्रा जी अगर निकाले गए मकान से। लेकिन कागज जो थे वो शुक्ला जी के पास थे, कागज दिखाने पड़ेंगे, आपको भी दिखाने पड़ेंगे, नंबर आएगा। नियमावली और विज्ञापन में बात करनी चाहिए थी, आप सारा दिन कल लखनऊ में रहे, और किसी सिंगल बंदे ने, बीटेक वाले ने जो बहुत बहादुर बन रहे, अपनी टीम का परिचय करा रहे थे और क्लिप दिखा रहे थे जगह जगह से, एक क्लिप मैं भी ऐड कर रहा हूँ, देखिएगा। एक मिनट, एक बात ऐड करना चाहूंगा कि हर बाप का, सुनो, हर बाप का एक बाप होता है जिसको बीटेक बोलते हैं। ये जो हमारा एडमिन पैनल खड़ा हुआ है, पैनल दिखाओ, पूरा पैनल दिखाओ, इधर से दिखा दो सबको, है ना, ठीक है ये। देखा आपने ऐसी क्लिप, तो इन क्लिपों के आधार पर क्या पता चलता है, ये बहुत मासूम दोहरा चरित्र इनका उजागर हो रहा है, मीडिया के सामने ऐसे रोनी शक्ल बनाते हैं और नियमावली और विज्ञापन को छिपाते हैं। क्यों छिपाओगे, कब तक छिपा पाओगे आप, सच के साथ रहिए ना, मैंने बोला था सच के साथ, केवल डिप्लोमा था, डिप्लोमा है और डिप्लोमा ही रहेगा, केवल डिप्लोमा, 936 की 936 सीट केवल और केवल डिप्लोमा की होंगी, और इसके लिए आप सब पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी जहां से है, किसी भी हालात में 10 तारीख को सुबह को गार्डन से पहले भर्ती बोर्ड पहुंचे और उसके बाद इको गार्डन, अगर इस बार नहीं निकले तो आपके शरीर में खून नहीं होगा, फिर पानी कहलाएगा। आज आप हक के लिए नहीं बोले, जीवन में आपको फिर ये मौका नहीं मिलेगा दोबारा, जिंदगी भर इस बात का पछतावा रहेगा। किसी को भी कोई दिक्कत है आप तुरंत निकलिए, ये मेरा नंबर है, आप इसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी हमारी कम्युनिटी से जुड़ने के लिए, हमारे साथ आने के लिए, इसी नंबर पे एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ,
और उसके अलावा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप दोनों से जुड़िए, जुड़ के रहिए। एक एक सीट आपकी थी, आपकी है और आपकी रहेगी, इस बात के लिए मैं आपको यकीन दिलाता हूँ लगातार। चाहे कोई कितना ही बड़ा सूरमा क्यों ना हो, किसी से भी गलती हुई हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरी वैकेंसी में मुझे सिर्फ और सिर्फ नियमावली और विज्ञापन चाहिए और भर्ती उसी से होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्वीट भी इस बात को दर्शाता है। हमें सिर्फ एक प्रत्यावेदन देना है एक अनुशासित दायरे में रहते हुए, और जो मीडिया चैनल वालों ने हाइप बनाया है, जिन्होंने दिखाया है सोशल मीडिया पे, उन तक सच्चाई पहुंचानी है, नियमावली और विज्ञापन उनको देना है। उनको भी इस बात का रियलाइज होना चाहिए कि गलत तरीके से वीडियो बनाए गए हैं। जैसे एक सिंगल पक्ष सुन के किसी को भी वीडियो नहीं बनाना चाहिए इस पे, मैं भी कह रहा हूँ। दोनों पक्ष सुनिए, और जिसको लग रहा है कि बीटेक रिजल्ट करा सकता है, मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, वो आके बहस कर ले किसी भी प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ। अगर किसी में दम है, किसी बीटेक वाले में, उनके एडमिन पैनल में, मैं चैलेंज करता हूँ सबको, तो नियमावली और विज्ञापन लेके आ जाओ और किसी भी पैनल पे बैठ जाओ। आप कहीं भी बैठ जाओ, आप अगर चैलेंज कर, मैं चैलेंज करता हूँ इस बात का। और अगर आप मुझे हरा देते हो, मेरे फैक्ट्स को आप काट देते हो, तो मैं खुद आपकी पैरवी करूंगा। ओपन चैलेंज है इस बात का, लेकिन बात नियमावली और विज्ञापन पे होगी, उसके अलावा किसी चीज से बात नहीं होगी। आज तक के इतिहास में अगर कोई बता दे मुझे कि कोई भर्ती बिना नियमावली और विज्ञापन के साथ हुई है, मैं जिंदगी भर उसकी गुलामी करूंगा। कोई भर्ती बता देना मुझे कि नियमावली और विज्ञापन को साइड में रख के करी गई है, कोई भी भर्ती बता देना मुझे, मैं चैलेंज करता हूं इस बात के लिए। हक आपका है, कोई छीन नहीं सकता है, वो केवल आप गंवा सकते हो अपनी मर्जी से। आपका मन करेगा तो आप दे सकते हो अपना दान में, घर पर बैठे रहने से ये करने से कि नहीं मुझे तो मतलब एलिजिबल माना ही जाएगा। अगर आप घर से नहीं निकलोगे तो चीजें गड़बड़ होंगी। अगर आप घर से निकले, मैं यकीन दिलाता हूं आपको, एक एक सीट आपकी थी, आपकी है और आपकी रहेगी। 936 की 936 पोस्ट केवल और केवल डिप्लोमा की होंगी। सब लोग आप किसी भी जगह से हैं, चाहे आप प्रयागराज से हो, चाहे आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हो, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश से हो, पूर्वांचल से हो, आप चाहे हमारे जिस भी इलाके से आप आते हैं, आप निकलिए घर से हर हाल में, ट्रेन से, बस से, कैसे भी। हम बहुत मेहनत कश लोग हैं, हम लोग खड़े खड़े भी आ जाएंगे, जिस भी हालात में निकलना पड़ेगा हम लोग निकलेंगे। और हर हाल में 2000 की संख्या मुझे चाहिए, 2000 साथी मेरे, 2000 भाई मुझे लखनऊ 10 तारीख को चाहिए। जितना दम लगा सकते हो, वास्तव में आप डिप्लोमा वाले हो, जितना शेयर कर सकते हो इस बात को उतना शेयर करिए, हर व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाइए। समय बहुत ज्यादा नहीं है, आज 7 तारीख है, 8 और 9, आज का दिन और कल का दिन आपके पास है, और परसों का आधा दिन, उसके बाद आपको निकलना पड़ जाएगा। आप निकलिए सबके सब, और एक अनुशासित तरीके से हम लोग अपनी बात भर्ती बोर्ड तक पहुंचाएंगे। और हर हाल में डिप्लोमा था, डिप्लोमा है और डिप्लोमा ही रहेगा। एक एक सीट पर केवल और केवल डिप्लोमा का चयन होगा मेरे दोस्त। सपने देखने वाले सपने देख सकते हैं, भर्ती को फंसा नहीं सकते हैं। जो झूठ बोला है कि मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, साहब मैं जहन्नुम तक पीछा नहीं छोड़ूंगा, आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हो। जहां आप जाएंगे वहां मुझे खड़ा पाएंगे। आप हाई कोर्ट चलेंगे, मैं आपके साथ रहूंगा। आप सुप्रीम कोर्ट चलेंगे, आपके साथ रहूंगा। भर्ती बोर्ड मैं नहीं चाह रहा था, आपने उंगली की है, सोते हुए शेर को जगाया है। परिणाम देखने को मिलेगा 10 तारीख को इसका। आप जो है जो आधा सच बोल के आप आए हैं, मेरी जिम्मेदारी है कि पूरा सच बोला जाए, दिखाया जाए, और सच के साथ ही चीजें होंगी। वैकेंसी केवल और केवल नियमावली और विज्ञापन पे पूरी होगी, इसके अलावा किसी चीज से पूरी नहीं होगी। जिसको जितना दम लगाना हो लगा ले। इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज कर रहा हूं। आप सबकी जिम्मेदारी है, जितना शेयर कर सकते हो शेयर करिए। हर व्यक्ति को इस नंबर पे या जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया गया, आप दोनों से जुड़िए और हर हाल में इस मुहिम से जुड़िए और मेरे साथ लखनऊ चलिए। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा मेरे दोस्त। और अगर चीजें हमारे हक में नहीं होती हैं तो 17 जून से
मैं अनशन करूंगा इस बात के लिए लगातार, जब तक आपके पक्ष में चीजें नहीं आ जाती हैं तब तक वहां से नहीं हटूंगा मैं। हर मोर्चे पे, चाहे वो भर्ती बोर्ड से हो, चाहे वो मुख्यमंत्री आवास मुख्यमंत्री जी के यहाँ से हो, चाहे वो माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय से हो, हर जगह हर पटल पे आपकी आवाज को उठाने की जिम्मेदारी मेरी है। और पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ मैं इस काम को करता रहा हूँ, कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। एकदम यकीन दिलाता हूँ मेरे दोस्त, जय डिप्लोमा विजय डिप्लोमा।